Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about sudden intergenetic force vulcanicity, geomorphology semester number 1st, geography honors. इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है. एंड इस वीडियो में हमें दो टॉपिक कवर करने हैं. फर्स्ट तो जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, वो हम कंप्लीट करेंगे. एंड देन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, पूरे वर्ल्ड में जो वोल्केनिक बेल्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं हमारे, हमें वो कवर अप करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ और है, आपको अगर चाहिए होगा नोट्स तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो. पहले क्या हुआ था, मैंने प्राइस सेटअप करके रखा हुआ है तो मैं उसको डिलीट करूँगी, और अब जो अभी इस वीडियो से जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनमें कोई भी प्राइस नहीं होगा, आप डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर लेना. ठीक है, तो टोपोग्राफी ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ये हमारा आज का टॉपिक है. एंड देन उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस. At the time of volcanic eruption, many types of solid, semi-liquid and gaseous substances spread in the nearby area and accumulate there. Due to this, many types of figures are formed on the surface. होता क्या है कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये हमारा मान लो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो अंदर से इंटीरियर ऑफ अर्थ से काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आती हैं, लावाज आते हैं, उनके साथ साथ गैसेस होते हैं. एंड ये तो एक तो कि जो लावा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ चीज़ें सेमी लिक्विड होती हैं, कुछ सॉलिड भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलेंगी तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठी होंगी. अभी ऐसे निकली सारी चीज़ें बाहर, ठीक है, तो बाहर निकलेंगी तो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है. अगर थोड़ी दूर जो लिक्विड है वो बहकर जाता है तो इधर आगे जमा होगा, इधर जमा होगा, इधर जमा होगा, तो ऐसे जब ये इनका जमा होगा, एक्युमुलेशन होगा, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे. मतलब अभी यानी कि पहले से तो लैंडफॉर्म हमारा था ही, लेकिन अभी जो इंटीरियर ऑफ अर्थ चीज़ें निकल रही हैं वो भी क्या करेंगी, एक अलग से लेयर बनाएंगी, एक अलग से लैंडफॉर्म बनाएंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आएगी कि जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे ना, वो सब अलग अलग होंगे, क्योंकि एक जगह का मान लो कि ये एक देश है, मान लो ये एक देश है और ये एक देश है हमारा, तो क्या दोनों जगह पे जो हमारा लैंडफॉर्म है वो सेम ही चीज़ से बना हुआ है? नहीं है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं पे कोई पत्थर पाया जाता है, कहीं पे नहीं पाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारे फिगर्स बन रहे हैं, जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ठीक है, along with this many compositions are formed when there is a special favorable condition below the surface or when magma cools at different depths. This composition is visible on the surface only after the erosion of the upper surface. Okay, तो अभी तो ये हमारा हो गया अर्थ के ऊपर का पार्ट, लाइक ये हमारा अर्थ का सर्फेस है, तो चीज़ें अंदर से बाहर निकल रही हैं, तो बाहर निकल के जो लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही हैं वो तो एक अलग टाइप का हो गया, लेकिन उसके अलावा सर्फेस ऑफ अर्थ के नीचे भी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, जो मैग्मा है वो निकला, ठीक है, तो कहीं इधर दरारें पड़ गई, अब इन दरारों में क्या हुआ, मैग्मा जो है एक्यूमुलेट हो गया, तो ये भी अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हो गया. तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स हमारे होंगे, पहला तो एक्सट्रूसिव होगा और दूसरा इंट्रूसिव होगा. एक्सट्रूसिव कहने का मतलब है कि जो सर्फेस के ऊपर बनता है, एंड इंट्रूसिव कहने का क्या मतलब है कि जो बिलो द सरफेस बनेगा, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस बनेगा, तो उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव. तो बारी बारी से दोनों को देखेंगे और दोनों में कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो भी हम देखेंगे. ओके, तो पहला हमारा है इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, जिसमें कि कोन बन रहा है. तो कोन तो सबको पता है, सबने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो कोन इस तरह का कुछ बनेगा हमारा. तो कोन भी बहुत सारे टाइप ऑफ बनेंगे, जैसे कि फर्स्ट इधर दिख रहा है आपको एसिडिक लावा कोन, तो पढ़ेंगे इसको, पहले ये देख लेते हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप फॉर्म्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम इरप्शन. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम द इरप्शन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोन्स. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी तरह का लैंडफॉर्म हो, सारे ही कैसे क्रिएट हो रहे हैं, जो इरप्शन हो रहा है, ये लावा है हमारा, ये मैग्मा है, और ये इरप्शन हुआ तो बाहर निकला. अब बाहर निकलने के बाद जो चीज़ें हैं एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो हमारे सारे लैंडफॉर्म बन रहे हैं सर्फेस के ऊपर वाले. लेकिन अभी जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं उनके नेचर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर जगह पे जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे गैसेज होते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर जगह पे एक ही गैस निकलेगा,
ये जरूरी नहीं है मतलब हर जगह पे राख निकले ये भी जरूरी नहीं है, हर जगह पे जो मैग्मा है वो पूरा एकदम कम्प्लीटली लिक्विड में निकले ये भी जरूरी नहीं है। तो नेचर ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कोन बनेगा या फिर किस तरह का लैंडफॉर्म बनेगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा है एसिडिक लावा कोन, जिसमें हम देखेंगे हैव अ स्टीप स्लोप्स एंड समटाइम थिक पिलर्स। इसमें क्या होते हैं, ये देखो एसिडिक लावा कोन है तो स्टीप होते हैं इसके स्लोप्स, ठीक है, काफी ढलाऊ होते हैं एंड कभी कभी तो ये मोटे पिलर्स की तरह दिख रहे होते हैं। तो अभी देखो ये और ढलाऊ हो जाएगा तो ये पिलर की तरह दिखेगा ना। लावा इज पर्टिकुलरली थिक एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका इट कूल्स डाउन इमिडिएटली। इसमें जो लावा होता है क्या होता है, पर्टिकुलरली थिक होता है और इसमें सिलिका की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही मैग्मा अंदर से बाहर निकला यहाँ पे और तुरंत ये ठंडा होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनी टाइम्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैसेस एंड हीट फ्रॉम द इनर पार्ट इट्स सरफेस ऑल्सो क्रैक क्विकली। कभी कभी क्या होता है कि गैसेस की रिलीज होने की वजह से, हीट की रिलीज होने की वजह से इनर पार्ट से क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, और क्रैक बनने की वजह से जो सर्फेस है वो बहुत जल्दी मतलब टूटने भी लगता है। ओके, शार्प शेप इज सिमिलर टू पीलियन और वल्कानियन। वल्कानियन के बारे में हमने पढ़ा था, वल्कानियन और पीलियन वल्कानियन के बारे में, तो इसका जो शेप होता है उसी की तरह होता है। शार्प स्लोप एंड ऑक्यूपाइज लेस शेप। तो हमने स्लोप देख लिया कि शार्प होता है, काफी स्टीप होता है एंड कम जगह में ये हो जाता है, कम जगह में ये बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो दूसरा है हमारा बेसिक लावा कोन। बेसिक लावा में क्या होता है, इफ देयर इज मोर बेसल्ट एंड लेस सिलिका इन लावा देन लावा इज लिक्विड लाइट एंड स्लोली कूलिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सिलिका कम हो गया। याद रखना है कि जिस भी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एंड अगर सिलिका की मात्रा कम है तो कम होने की वजह से क्या होगा, कम होने की वजह से ये धीरे धीरे कूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बसाल्ट यहाँ पे ज्यादा है बेसिक लावा कोन में एंड सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए ये क्या होता है, पूरा लिक्विड में रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से स्लोली स्लोली कूल होता है, कलर इसका बोल सकते हो लाइट होता है, क्योंकि जहाँ पे सिलिका मतलब हाँ ठीक है लाइट है। स्लो स्लोपिंग एंड वेरी वाइड, इसका जो स्लोप होता है ना वो स्टीप नहीं होता है, तेज ढाल नहीं होता है, स्लोली ऐसे होता है। ठीक है, स्लोप इसका एकदम स्टीप या फिर ढलाऊ नहीं होता है। वेरी वाइड, काफी दूर तक फैला हुआ होता है। हमारा जो एसिडिक था वो क्या था, वो ऐसे कम क्षेत्र में फैला हुआ था लेकिन ये दूर तक जाता है। शेप इज लाइक अ शील्ड कोन्स ऑफ द हवाईयन आइलैंड। आप हवाईयन जो आइलैंड है उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां के जो कोन्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी कुछ इस तरह के ही होते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो है सी हमारा कंपोजिट कोन। ये क्या है, कंपोजिट कोन में मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक कोन्स आर मिक्स्ड। बहुत सारे जो वोल्केनिक कोन्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। ओके, स्प्रेड ओवर अ शार्प टू मीडियम स्लोप एंड लार्ज एरिया। किसी किसी के जो स्लोप होते हैं वो शार्प होते हैं मतलब ज्यादा ढलाऊ होते हैं, और किसी किसी के क्या होते हैं, ज्यादा ढलाऊ नहीं होते हैं। ओके, मतलब मीडियम स्लोप होता है। देयर इज अ लेयर ऑफ लावा एंड देन अ लेयर ऑफ एश मड सॉलिड बाउल्डर्स एंड पाउडर एक्सेट्रा टॉलर देन ऑल टाइप ऑफ कोन्स। एग्जाम्पल में फ्यूजियामा ऑफ जापान। ठीक है, तो ये मैग्मा चैम्बर हो गया हमारा और ये बहुत सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा ये मैग्मा जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लेयर्स में क्या होता है, एक लेयर में आपका ऐश देखने को मिलेगा, दूसरे लेयर में मड हो जाएगा, तीसरे में सॉलिड बाउल्डर्स हो गया, फिर हो सकता है चौथे में राख ही देखने को मिल जाए, ऐश मिल जाए एंड देन पाउडर देखने को। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें होती है, तो ये मिक्स होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कंपोजिट को। ये हमारा एक पिक्चर है कंपोजिट वोल्केनो का। आगे हमारा है सिंडर कोन। व्हेन द एश डस्ट एंड सॉलिड बाउल्डर्स गेट डिपॉजिटेड इंस्टेड ऑफ लावा एट द टाइम ऑफ इरप्शन देन सिंडर कोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये कब बनता है, तो जब राख डस्ट और सॉलिड बाउल्डर्स डिपॉजिट हो जाते हैं लावा की जगह पे। ठीक है, जब इरप्शन होता है। ओके, तो इरप्शन हो रहा है, तो इरप्शन के टाइम में जब लावा की जगह पे राख धूल और जो बाउल्डर्स होते हैं वो जो सॉलिड टाइप होते हैं वो अगर इधर इकट्ठे हो जाए तो ये क्या बनाता है, एक सिंडर कोन बनाता है। और एग्जाम्पल में है जोरलो इन मैक्सिको एंड कोमोगुआ वोल्केनो फिलीपींस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे सिंडर कोन के। आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, लावा की जगह पे कौन सी चीजें डिपॉजिट होती हैं, सॉलिड बाउल्डर्स डस्ट एंड ऐश। ये हमारा सिंडर कोन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्योट कोन।
या फिर गियोकोन बोल सकते हो। अ सबमर्ज्ड वोल्केनिक पीक विद अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड गियोकोन। दे आर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑन द ओसिनिक फ्लोर, द वेव्स इरोड देयर हेड्स। तो ये सबमर्ज्ड वोल्केनिक पीक होते हैं, ठीक है, विद अ फ्लैट टॉप। एक तो कि ये पानी में होते हैं, समुद्र में होते हैं, डूबे हुए हैं, सबमर्ज हैं तो पानी में ही होंगे, एंड इनका जो टॉप होता है ना वो फ्लैट होता है। ओके, तो जिसको हम कहेंगे ग्योटकोन, मतलब ऐसे नॉर्मली होता होगा ना, ऐसे फ्लैट ही होता होगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये हो गया ग्योटकोन टाइप का। और दे आर फॉर्म्ड बाय इरप्शन ऑन द ओसिनिक फ्लोर। अब ये बनते कैसे हैं, तो ओसिनिक फ्लोर पानी में है, तो पानी में अलग से तो नहीं आए होंगे, कोई लाके तो नहीं डालेगा, तो ओसिनिक फ्लोर में जो इरप्शन होता है वहां पे ये बनते हैं, उसकी वजह से ये बनते हैं। एंड इनके जो ऊपर का जो लेयर है वो क्या होता है, या फिर ये जो इरप्शन हुआ, ठीक है, तो ऐसे बन गया, इरप्शन हुआ तो पानी में ही ऐसे बन गया, तो पानी से क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो इरोड हो जाता है, ठीक है, इरोड देयर हेड। आगे हमारे पास पैरासिटिक कोन, ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिव और लैटरल कोन्स। इसको एडवेंटिव एंड लैटरल कोन्स भी कहते हैं, कॉल्ड पैरासाइट कोन्स बिकॉज द सप्लाई ऑफ लावा फॉर दिस कोन्स कम्स फ्रॉम द मेन पाइप। इसको पैरासिटिक कोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो सप्लाई होता है लावा का वो कम्स फ्रॉम मेन पाइप्स, मेन पाइप से निकल करके आता है, ठीक है। समटाइम्स इन एडिशन टू द मेन पाइप और अराउंड द क्रैक मेनी स्मॉल कोन्स आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल शास्तिना कोन ऑफ एम्प्टी शास्ता ऑफ यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे पैरासाइट की बात हो रही है, पैरासाइट कोन की, तो ये कैसे बनते हैं, ये देखो हमारा एक पूरा का पूरा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये क्रेटर टाइप बना हुआ है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा, तो ये है हमारा पैरासिटिक कोन, पैरासाइट कोन बोल सकते हो। तो ये जो इरप्शन हुआ होगा वो मेन पाइप के थ्रू हुआ होगा, ये मेन पाइप से मान लो इसका इरप्शन हुआ, तो ये कैसे बना होगा, तो ये कहीं ना कहीं मेन पाइप से एक सप्लाई हुआ होगा मैग्मा का, तब जाकर के यहाँ भी इरप्शन हुआ, और ये बड़े से पूरे एकदम वोल्केनिक इरप्शन वाले पार्ट में, यहाँ पे ढलान वाले पार्ट में ये इरप्शन एक हो गया, जिसको हम बोलेंगे पैरासाइट कोन, जो कि बना एक लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया लावा डोम कोन। अब ये लावा डोम कोन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डोम शेप क्रिएट करता है, डोम शेप ही क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हो इमेज में, बस यही इसकी खासियत है। एंड उसके अलावा क्या है वो देख लो, फॉर्म ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिडिफाइड लावाज अराउंड द वोल्केनिक वेन, समटाइम देयर शेप आर शेप कैन बी लाइक अ सिल्ड। एग्जाम्पल डेविल्स डोम वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। एग्जाम्पल में आपने देख लिया क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे लावाज का, जितने भी लावाज निकलते हैं ना वो यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक ज्यादा दूर तक ये नहीं फैला हुआ होता है, ठीक है, यहीं पे सॉलिडिफाई होते हैं, लेकिन यहीं से निकलते हैं और इधर ही सॉलिडिफाई होते हैं, तो ये डोम शेप बनाता है, जिसको हम कहेंगे लावा डोम कोन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारे पास क्रेटर है, अ लार्ज कैविटी, क्या है, गड्ढा है यहाँ पे, इज फॉर्म्ड ऑन द अपर और टॉप ऑफ द वोल्केनो कोन ड्यू टू सब्सिडेंस और एक्सप्लोजन, फटने की वजह से, ठीक है, या फिर ऐसे क्या हुआ, गड्ढा हो गया, ठीक है, नीचे धंसने की वजह से, या तो यहाँ पे विस्फोट होने की वजह से हुआ, या तो यहाँ पे धंसने की वजह से हुआ। तो मान लो ये कोन था, ओके, अब यहाँ पे विस्फोट हुआ या फिर ये गड्ढा हो गया, धस गया नीचे, तो ये एक लार्ज कैविटी बना देगा, जिसको हम क्रेटर बोलेंगे। फनल शेप होता है इसका, फनल शेप ऐसा होता है ना, फनल शेप हमारा ऐसा, तो ये बिल्कुल वैसा ही शेप बना रहा है। एंड यूजुअली सर्कुलर्स एंड इट्स डायमीटर कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 800 मीटर्स टू फ्यू किलोमीटर्स एंड डेप्थ कैन बी 150 मीटर्स टू 900 मीटर्स। डेप्थ देख सकते हो कितना है इसका, एंड ये हमारा जो है क्या है, 800 मीटर्स से फ्यू किलोमीटर्स तक इसकी क्या होती है, डायमीटर भी होती है, ठीक है। मेनी टाइम्स मेनी स्मॉल कोन्स एंड देयर स्मॉल क्रैटर्स ऑल्सो फॉर्म्ड इन द बिग क्रैटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स भी बन जाते हैं, देयर स्मॉल क्रेटर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द बिग क्रेटर। ये मान लो बड़ा ऐसा गड्ढा हो गया, मतलब अभी ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, तो मानो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड इसमें भी क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इसमें भी क्रेटर बन जाते हैं, अगर काफी दूर तक ये गड्ढा है ना, तो इसमें भी छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स भी बन जाते हैं। अ लेक फॉर्म्ड बाय द फिलिंग ऑफ वाटर इन द माउथ और क्रेटर ऑफ अ काम वोल्केनो इज कॉल्ड अ क्रेटर लेक। यहाँ पे स्पेलिंग देखो गलती हो गई है थोड़ी सी, CRATER होगा, और यहाँ पे पता नहीं क्या ही टाइप कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि ये लार्ज इकट्ठा हो गया, अब मानो कि बहुत टाइम से यहाँ पे कोई विस्फोट नहीं हुआ है, कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, तो जब बारिश होगी तो बारिश का जितना पानी है ये गड्ढे में आते जाएगा, और ऐसे ही आते आते क्या होता है, इसको लेक में कन्वर्ट कर देता है,
इसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्रेटर लेक स्टेट ऑफ ओरेगॉन इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबका। आगे है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या है? व्हेन द अपर पार्ट ऑफ अ वोल्केनो इरप्ट ड्यू टू अ फायर टू सबमर्जन और सब्सिडेंस इट इज कॉल्ड अ कैल्डेरा। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सबमर्जन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नीचे धस रहा है, या फिर यहाँ पे कोई बड़ा सा विस्फोट हुआ। वैसे ही इरप्शन के टाइम में ही क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट पूरा एकदम हट गया और ये पूरा गड्ढा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये जब गड्ढा टाइप हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैल्डेरा कहेंगे। अब बोलोगे कि दीदी कैल्डेरा और क्रेटर क्या था हमारा, क्या था, मैं खुद ही भूल गई। इधर देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्रेटर, क्रेटर था शायद, हाँ आई थिंक क्रेटर था। तो ये जो क्रेटर एंड कैल्डेरा है वो दोनों तो सेम होना चाहिए, फिर उसमें भी गड्ढे हो जा रहे थे धंसने की वजह से या फिर विस्फोट की वजह से, तो सेम तो है ये भी। तो देखो जो क्रेटर होता है ना वो हमारा कैल्डेरा से छोटा होता है, कैल्डेरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इज इट इज लाइक अ गैंट कॉल्ड्रॉन। ओके, तो समझो जो हमारा क्रेटर होता है ना ये इसे काफ़ी छोटा है, लेकिन जो क्रेटर है अगर वो बहुत विशाल बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए, तो उसको हम कैल्डेरा कहेंगे। एंड कैल्डेरा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वन और उससे ज़्यादा कोन्स होते हैं इसके प्लेन में। ठीक है, कोन्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। एंड इट्स वॉल्स आर ऑल्सो वेरी हाई। इसके जो वॉल्स होते हैं ना, ये जो दीवार है ना, बहुत हाई होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, आप एकदम खड़ा जैसा ऐसा बड़ा सा होता है। ठीक है, इसकी डायमीटर आप देख सकते हो फ्रॉम 8 to 10 kilometers है। एंड देन यहाँ पे है द ह्यूज कैल्डेरा ऑफ माउंट किलिमंजारो वोल्केनो इन केनिया, और उसके बाद है एसो कैल्डेरा ऑफ जापान एंड कैल्डेरा ऑफ वेस्ट कैनरे। तो आप इसको याद कर सकते हो कि हाँ ये है। ठीक है, एक याद कर लो आप, कैल्डेरा ऑफ माउंट किलिमंजारो तो हो गया। ठीक है, केनिया का तो हो गया, अभी बता तो मैंने सारा दिया, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये कॉल्ड्रन क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। मैंने जो कड़ाह बोला ना बड़ा सा एकदम, वो कॉल्ड्रन ही होता है। ठीक है, उसको हम कॉल्ड्रन ही कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कैल्डेरा कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा लावा प्लेट्यू। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि लावा से बना हुआ प्लेट्यू, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद है कोलंबियन प्लेट्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद लावा प्लेन्स ऑफ इटली, जापान एंड आइसलैंड। ओके, वेन पेनिट्रेंट और लिक्विड लावा फ्लोज थ्रू क्रैक्स एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, इट कॉजेज द लावा टू अक्यूमुलेट इन द इंटायर रफ एरियाज अराउंड इट। ड्यू टू दिस द होल एरिया बिकम फ्लैट। वेन इट इज इन द लोअर पार्ट इट इज कॉल्ड लावा प्लेन, एंड वेन इट इज हायर इट इज कॉल्ड लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर पर्टिकुलरली फर्टाइल एरियाज ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी क्रैक से निकल कर कैसे लावा बहने लगा। मान लो कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अब उसके बहुत सारे क्रैक्स हो गए और वहाँ से जो हमारे लावाज हैं, जो मैग्मा है, वो बाहर आने लगा, लावाज निकलने लगे, तो बहुत दूर तक फैलेंगे क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड लावा फ्लो करके बहुत दूर तक जाएगा एंड ये एक प्लेट्यू बनाएगा। ठीक है, तो पूरा दूर तक ये फैल जाएगा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे कि पूरा ऐसे फैलेगा तो एक पूरा एक फ्लैट हो गया। ठीक है, फ्लैट होने के बावजूद इधर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर उठा हुआ पार्ट है, तो जो ऊंचे पार्ट होंगे ना, उठे हुए पार्ट होंगे, उनको हम लावा प्लेट्यू कहेंगे, एंड जो एकदम नीचे समतल मैदान हो जाएगा उसको हम लावा प्लेन कहेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरियाज होते हैं क्योंकि ये अंदर से निकली हुई चीज़ें निकली हैं ना यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ से, तो फर्टाइल होती हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में ये कैसा है, पूरा का पूरा एकदम जल रहा है। अब ये ठंडा होगा धीरे धीरे और काफ़ी टाइम बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि यही वाला इमेज ऐसा दिख रहा है, नहीं, दो अलग अलग इमेज है, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये इस तरह का दिखेगा एंड ये फर्टाइल हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आगे मेसा ब्यूट एंड हॉगबैक। ठीक है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो आप इसको देख सकते हो। At the time of fissure eruption, a layer of lava is laid on the old rocks. After erosion, the main there remain cup-shaped lava covered rocks called mesa. ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो आप कि कहीं पे इरप्शन हुआ। ठीक है, और इरप्शन के टाइम पे जो चीज़ें निकली, जो लावा निकला हमारा, वो कवर कर रहा है रॉक्स को। रॉक्स यहाँ पे है मान लो, और वो निकला तो पूरा एकदम रॉक्स को ऐसे कवर कर रहा है। तो जब ये रॉक्स पे से ये जो लावा वाला पोर्शन है वो इरोड हो जाएगा, तब हम उसको मेसा कहेंगे। ठीक है, इट इज एक्चुअली रेज्ड लैंड विद अ फ्लैट टॉप ऑन विच अ लेयर ऑफ रेजिस्टेंस रॉक इज फाउंड।
ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंट रॉक फाउंड होते हैं, एंड ये बेसिकली क्या होता है, रेस्ट लैंड होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कवर्ड रॉक्स, तो रॉक्स की जब बात हो रही है तो रॉक्स एकदम फ्लैट तो नहीं होंगे, रॉक्स तो लार्ज जो हमारा उखड़े हुए जो पार्ट है, उखड़े हुए पोर्शन है अर्थ के, वही होंगे, रेस्ट लैंड ही होंगे। तो उसी की बात हो रही है कि यहाँ पे जो लावा इनके ऊपर बिछ गया, तो जब ये लावा इरोड हो जाएगा तो एक छोटा सा परत तो बचेगा ही ना लावा का, ठीक है। तो ये जब इरोड हो जाएंगे तो उनको हम मेजा कहेंगे, एंड देन स्मॉल हिल लाइक शेप दैट रिमेन्स ड्यू टू इरोजन ऑफ द मेसा इज कॉल्ड ब्यूटी। और जब पूरा का पूरा ये इरोड होगा ना, ऊपर से बिछा हुआ पूरा का पूरा ऐसे लावा इरोड होगा, मेसा ऐसे इरोड होने लगेगा, तो हम उसको ब्यूटी कहेंगे। बुटे बुटी जो भी है, एग्जाम्पल में शिप रेक ब्यूटे ऑफ न्यू मैक्सिको। अ हॉक बैग इज अ लॉन्ग नैरो रिज विद शार्प स्लॉप्स। ये क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो रिज होते हैं जिनके स्लोप्स काफ़ी ज़्यादा तीव्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्लोप होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी थी। आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अभी मैं आपको बताना भूल गई कि मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाली, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो मैं लिखवा रही थी अब मैं वो नहीं लिखवाऊंगी। तो अभी टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है कि आप जब इसको पढ़ोगे ना, तो जो मेन टॉपिक है ना, आप उसको एक बार देख लो, और मेन टॉपिक को देखो, अरे हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसकी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सट्रूसिव जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में। ऐसा तो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली टोपोग्राफी के बारे में पूछ सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू कौन से होते हैं टोपोग्राफी। आगे हमारे पास है वोल्केनिक आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे पानी हमारा पूरा है, समुद्र है, एंड इसमें इरप्शन हुआ, और बार बार इरप्शन होने की वजह से एक आइलैंड की तरह ये क्रिएट हो गया, ठीक है। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स एट द बॉटम ऑफ ओशन, द कोन ऑफ डोम राइजेस एज द डिपोजिट इंक्रीजेस ओवर टाइम, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो बनता क्या है, वोल्केनिक इरप्शन होगा बॉटम ऑफ सी में, ठीक है, ऐसे हमारा समुद्र है, इसके बॉटम में इरप्शन हुआ, इरप्शन होने की वजह से चीज़ें बाहर आई, और बार बार ये होने की वजह से क्या हुआ, एक आइलैंड बन गया, ठीक है। द कोन ऑफ डोम राइजेज एज अ डिपोजिट इंक्रीजेज, जब डिपोजिट इंक्रीज होते जाएंगे तो टाइम के साथ साथ एक आइलैंड की तरह ये फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में हवाईयान आइलैंड और एलुरियन आइलैंड। इंट्रूसिव टोपोग्राफी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, अर्थ के ऊपर जितने भी टोपोग्राफी बनते हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ वेपर एंड गैस डिक्रीजेस, द मैग्मा डज नॉट कम आउट ऑफ द सर्फेस एंड फिल्स इन द क्रैक ऑन द अर्थ स्वैम्प एंड ग्रेजुअली कूल्स डाउन टू फॉर्म फॉलोइंग शेप्स। देखो होता क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर नहीं लग पाता है और वाटर वेपर एंड गैस की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगती है, तो मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है, और ऊपर नहीं आता है तो कहाँ जाएगा, तो जो अर्थ में ही जो क्रैक्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे चट्टान हैं हमारे, तो चट्टान में भी क्रैक्स होते हैं ना, तो उन क्रैक्स में वो चला जाता है एंड कूल होकर के एक शेप ले लेता है। तो कौन से वो शेप्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है बैथोलिथ, दिस जर्मन वर्ड मीन्स डीपली, काफी डीप होता है, एंड द डिपोजिशन ऑफ बैथोलिथ इज फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ, काफी डेप्थ पे ये जो डिपोजिशन है इसका फाउंड किया जाता है। इट मे ऑल्सो हैव बीन पार्ट ऑफ मैग्मा डिपोजिट, शेप इज लाइक अ डोम, डोम लाइक शेप होता है, ये तो पता नहीं किसने ऐसे बनाया हुआ है, ये डोम लाइक ऐसे शेप होगा बैथोलिथ का, ठीक है, एंड ये काफ़ी नीचे होता है। अब इतना पार्ट में ये बैथोलिथ है तो देख के लग रहा है ना कि हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि ये मैग्मा का पार्ट रहा होगा, और यहाँ पे ऐसे कूल हो गया, मैग्मा पूरा नीचे चला गया कहीं इरप्शन हो करके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो एक्सटिंट वोल्केनो बताया जा रहा है यहाँ से, एक्सटिंट वोल्केनो मतलब कि यहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे मैग्मा नहीं है, गर्म नहीं है, एकदम सॉलिड में ये कन्वर्ट हो चुका है ठंडा होकर, तो उसको हम बैथोलिथ कहेंगे। हो सकता है कि किसी जमाने में ये मैग्मा का पार्ट रहा होगा, लावा का पार्ट रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते होंगे। ये समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। लैकोलिथ क्या है, देख सकते हो आप, ये भी डोम शेप है, ओके, एंड बैथोलिथ ये हमारा काफी डीपर होता है, काफी नीचे होता है, आप देख सकते हो वहाँ पे काफी ऊपर लग रहा था ना पिछले वाले इमेज में, तो इमेज पे नहीं जाना है, जैसे होता ना कि चेहरे पे मत जाना, वैसे इसके इमेज पे मत जाना है, ये सबसे नीचे होता है बैथोलिथ, लैकोलिथ ऊपर होता है, मैंने इसकी स्पेलिंग सही नहीं की, कोई नहीं। दिस इज ऑल्सो अ रिज स्लोप शेप विच इज ऑफन फाउंड बिटवीन टू लेयर्स, द अपर लेयर स्वेल्स अप लाइक अ डोम ड्यू टू वेपर एंड गैस, द लावा द स्वेल्ड इन कॉल्ड लैकोलिथ, ठीक है। तो जो हमारे क्या होते हैं, ये रिज स्लोप की तरह होता है, रेज स्लोप शेप विच इज ऑफन फाउंड बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में,
जैसे कि एक लेयर ये हो गया हमारा, एक ये लेयर हो गया और ये एक लेयर हो गया, ठीक है, ये सब लेयर, तो इनके बीच में बेसिकली ये फाउंड होगा। और ये डोम लाइक शेप इसका भी बोल सकते हो आप, फुला हुआ होता है इसका जो अपर लेयर होता है। और कैसे फुला हुआ होता है, तो वेपर एंड गैसेस की वजह से ये फुला हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लावा फिलअप हो गया उसको हम कहेंगे लोकोलिथ, और इसको ड्यू टू इट्स अम्ब्रेला शेप इट इज ऑल्सो कॉल्ड लावा अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला के शेप की तरह लग रहा है ना, तो इसको अम्ब्रेला लावा भी कहते हैं, फिर लावा अम्ब्रेला। एंड लेकोलिथ फिगर इज लोकेटेड ऑन माउंट हेनरी इन द उटाह प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको लेकोलिथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे, नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करूँ इन सबसे दूर होके, तो ये हमारा मैग्मा का पार्ट रहा बेकोलिथ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे सारा ठंडा हो गया, ऊपर गया ही नहीं, कभी तो इरप्शन हुआ होगा। तो इरप्शन के टाइम में ऐसा हुआ कि प्रेशर नहीं लग पाया और चीज़ें यहीं तक रह गई, ठीक है, तो यहीं तक रह गई और यहीं पे सॉलिडिफाई हो गई, तो हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि लिक्विड में आधी हो तो ये नीचे आ गई और बाकी इधर क्रैक्स में घुस गई, तो इस तरह से लोकोलिथ हमारा ऊपर बन गया और नीचे बैथोलिथ बन गया, ठीक है। सील इट इज डिपॉजिटेड ड्यू टू द फीलिंग ऑफ लावा इन द लेयर्ड रॉक्स। ये हमारे लेयर्ड रॉक्स हैं सारे, इनके बीच में जब हॉरिजॉन्टली हमारा लावा फैल जाता है, हॉरिजॉन्टल, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए उसको हम सिल कहते हैं। ऑलवेज फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो वो उसको हम डाइक कहेंगे। डाइक क्या, हमारा वर्टिकल है, पतला है, थीन है, लेकिन इसको हम डाइक कहेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल है। थिकनेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर, हर जगह थिकनेस इसका सेम नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा कम है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है। एंड इट्स डेप्थ ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ फ्यू फीट टू 100 ऑफ विथ। ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि कुछ फीट से लेकर के 100 फीट तक होती है। एग्जाम्पल में ग्रेट हिंद सिल इन इंग्लैंड एंड करू रिजन इन सदर्न अफ्रीका। आ गया है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है हमारा, द शेप इज फॉर्म ड्यू टू द फीलिंग ऑफ वल्कैनिक लावा इन द एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स। जितने भी हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं ना, ये वहाँ पे बनता है, उनके जो ये इस तरह के हमारे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, तो जो हमारे ये एंटीक्लाइंस वाला पार्ट है, ये एंटीक्लाइन, और ये जो हमारा सिंक्लाइन वाला पार्ट है, ठीक है, इधर लावा जमा होकर के ये फैकोलिथ बनाते हैं, ठीक है, वल्कैनिक लावा। कहीं इरप्शन हुआ तो इधर घुस गए, इधर से इधर आ गए, तो ये इस तरह से जमा होकर के बनता है। लोपोलिथ का क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इरप्शन व्हेन द लावा इज डिपॉजिटेड इन द कोन केव सॉसर शेप्ड और श्वेलो बेसिन इन द सर्फेस एंड कूल्स, देन द शेप ऑफ लोपोलिथ इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका। सिमिलर शेप इज फाउंड इन ट्रांसवाल। ओके, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में एग्जाम्पल भी बता दिया कि कहाँ पे ये क्या होता है ना, एक बेसिन की तरह होता है, ऐसे गड्ढा की तरह होता है और इसमें ये भरा हुआ होता है, ठीक है। लावा ऐसे यहाँ पे ऐसे सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको हम कहेंगे लोपोलिथ। बाकी सबका क्या था, ऐसे उभरा हुआ पार्ट था, डोम शेप था, याद रखना है। लोपोलिथ में क्या होता है, ये कॉनकेव होता है, ठीक है, सॉसर शेप्ड। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाइक। वेट द शेप ऑफ सील इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, द शेप ऑफ डाइक इज सर्कुलर एंड वर्टिकल। थिकनेस इज मोस्टली फ्रॉम 1 to 3 meters। एग्जाम्पल डाइक्स नियर द अरान कोस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है ग्रेट ब्रिटेन में। एंड जो हमारा सील था वो क्या था, सील ऐसे था, हॉरिजॉन्टल था, लेकिन डाइक क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल इस तरह के होंगे, इस तरह का होंगे, ठीक है, तो ऐसे होंगे हमारे डाइक, ठीक है। ये हमारा मैग्मा चैम्बर हो गया जहाँ से ये निकल रहा है। ये देखो वोल्केनिक प्लग है हमारा, जब इरप्शन के टाइम में से सॉलिडिफाई होता है ना, तो इसको हम वोल्केनिक प्लग बोलते हैं। और मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद देखो रिमेनिंग वोल्केनिक प्लग कैसा हो जाएगा, फोल्डेड वोल्केनो एंड न्यू सर्फेस बन गए इधर। वोल्केनिक प्लग दिस इज अ मॉडिफाइड शेप्ड ऑफ द कोन व्हेन वोल्केनो कूल्स डाउन, देयर वेन्स यूजुअली फिल विद सॉलिडिफाइड लावा ड्यू टू द इरोजन ऑफ कोन ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट अपीयर्स आउट इन अ शेप ऑफ प्लग और स्टॉपर। दिस हैपन्स ओनली बाई एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, वोल्केनिक प्लग ना एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे जब इरप्शन हुआ, इरप्शन के टाइम में ये जो हमारा वेन है उसमें जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो गया, एंड आफ्टर बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम इरप्शन होता है, देन ये किस शेप में आ जाएंगे, प्लग एंड स्टॉपर के शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। आ गया माइनर फॉर्म्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें गीजर पानी गर्म करने वाला जो होता है ना वही, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग ही टाइप का है ये। अकॉर्डिंग टू आर्थर होल्स,
गीजर आर सोर्स ऑफ हॉट वाटर, ये सोर्स है वो हॉट वाटर का, अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स, फ्रॉम विच हॉट वाटर्स एंड वेपर आर ऑफन इमर्स रैपिडली एट हाई प्रेशर एट शॉर्ट इंटरवल्स। देर आर थ्री गीजर्स एरियाज इन द वर्ल्ड, तीन गीजर एरियाज हैं जहाँ से ऑटोमेटिकली, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, जब क्या होता है एकदम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ जो पानी है, गर्म पानी, वो फवारे की तरह बाहर निकलता है, ये आप देख सकते हो इमेज में। पहला क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट, याद रखना है यहाँ पे हर 5 मिनट के बाद, एवरी आवर 4-5 मिनट्स, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए बहुत ही हाई फाउंटेन आता है, ठीक है, 60 मीटर्स हाई फाउंटेन रिलीज होते हैं, समझ में आ रहा है सबको, 60 मीटर्स हाई फाउंटेन रिलीज होंगे हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए आप उसको देख सकते हो। उसके बाद है आइसलैंड एंड देन है न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड है वो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गीजर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है फुमारोल्स, फुमारोल्स क्या है, व्हेन द ऐश लावा स्टॉप कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनो, कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो, समटाइम्स वेपर एंड अदर गैसेस कीप कमिंग आउट। तो क्या होता है कि कभी कभी ना ऐश एंड जो लावाज होते हैं वो नहीं आते हैं बाहर, ठीक है, ऐश एंड लावा कम बाहर नहीं आते हैं, तो अदर गैसेस उनकी जगह पे क्या आते हैं, अदर गैसेस एंड वेपर्स बाहर आते हैं, तो उनको हम कहेंगे फ्यूमारोल्स, ठीक है। द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, या फिर नॉर्मली समझो तो इसको स्मोक बोल सकते हो आप समझने के लिए, तो एक वैली है 10,000 स्मोक्स की अलास्का में, ठीक है, उसको हम लार्जेस्ट स्मोक एरिया इन द वर्ल्ड कहेंगे। इस तरह से चीजें निकलती हैं, ठीक है, लावा नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ये भी इरप्शन ही हो रहा है लेकिन लावा एंड ऐसे कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे, क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है सिर्फ, ठीक है, गैस निकल रहा है। उसके बाद है हॉट स्प्रिंग, तो इसमें गर्म पानी निकलता है इसमें भी, जैसा कि गीजर में था। समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर इन विच मेनी मिनरल्स आर मिक्स्ड एंड टेम्परेचर इज फाउंड बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं डिग्री यहाँ पे लगाना भूल गई, तो उसके लिए माफ करना भैया हमको, यहाँ पे 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बाहर निकलते हैं। अपीयर एज अ सोर्स ऑफ वाटर और ग्लासेस ऑन द सर्फेस, देर आर मेनी सच हॉट वाटर सोर्स इन येलो स्टोन पार्क, वही येलो स्टोन पार्क जहाँ पे हमें हर 1 घंटे के बाद गीजर देखने को मिलता है, ठीक है, हॉट वाटर का ऐसे स्प्रिंग बड़ा सा देखने को मिलता है, तो ये उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, ओके, इसलिए इसको हॉट स्प्रिंग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मड फ्लो, मड फ्लो में क्या है, बेसिकली समझ में आ रहा है कि हमारा इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन की जगह लावा की जगह क्या निकल रहा है, ये हमारे मड निकल रहे हैं, ठीक है, मिट्टी निकल रही है। When geologic gases penetrate the upper layer of crust due to high pressure and intense heat and coming up, sometimes boiling mud is brought with it. The flow of such boiling mud is called mud volcano. Example है Petrono in Sicily and Kafla in Iceland, Minbu in Myanmar, ठीक है। तो मड फ्लो में क्या होगा, आपने देख लिया कि इरप्शन के टाइम में बॉइलिंग मड, ऐसा नहीं कि ठंडा निकल रहा है, ये बहुत बॉइलिंग होता है, ठीक है, तो ऐसे बॉइलिंग मिट्टी निकलती है बाहर। आगे है अब हमारे पास वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। तो देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड, दे हैव फोर मेन बेल्ट्स बोलो या फिर थ्री बोलो, बेसिकली चौथा तो है उसमें, बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे ही नॉर्मली। तो पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट और रिंग फायरिंग, तो दोनों ही सेम है। तो जो हम यहाँ पे देखने वाला तीन बेल्ट ना, वही हमारे अर्थक्वेक बेल्ट है। आपको याद कर लेना है कि जो वोल्केनिक बेल्ट है हमारे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में और जो अर्थक्वेक बेल्ट है, वो तीनों ही सेम है। सरकम पैसिफिक बेल्ट हमने पढ़ा था ना, वही सेम पैसिफिक बेल्ट है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन भी तो साथ में है ना, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में अर्थक्वेक अगर होता है ना, तो अब अर्थक्वेक तो वही अगर होगा जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो दोनों ही का जगह क्या है, सेम है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस आर फाउंड इन द आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज अराउंड द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में बोलो या फिर आइलैंड में ये वोल्केनोस अकर करते हैं। इंडोनेशिया इनमें मेन सेंटर है इस बेल्ट का, और द आइलैंड ऑफ जावा अलोन हैज 43 वोल्केनोस, जो आइलैंड ऑफ जावा है उसके पास अकेले ही 43 वोल्केनोस हैं, और उसके बाद जापान में 200 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस हैं। मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो लाइज इन दिस बेल्ट, एक्सटेंड्स फ्रॉम कैमचटा पेनिनसुला ऑफ एशिया टू आर्कटिक चेन ऑफ आइलैंड ऑफ ईस्ट एशिया।
अभी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो आप देख लो, एंड देन आप अगर याद करना चाहो कि कौन कौन से जगह का नाम हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अलास्का, ठीक है, फायर ऑफ पैसिफिक ओशन और रिंग फायर भी कहते हैं इस बेल्ट को, ये तो पता ही होगा सबको, तो क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एक बार हम देख लेंगे इमेज में कि किधर है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, क्या है, दिस बेल्ट स्प्रेड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना कि ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूली फोल्डेड माउंटेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका और यूरेशिया में जो फोल्डेड माउंटेन्स है ना, जो न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स है उनके थ्रू ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, स्पेन, इटली, सिसली, टर्की, काउकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा एंड मलेशिया टू इंडोनेशिया। अब देखो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को अगर समझने में तकलीफ हो रही है किसी को तो बस जा करके और मैप में देख लो कि ये हमारे देश कहाँ कहाँ है, जहां भी ये देश दिखे ना आपको समझ लेना वो सारे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हमारे आ गए, ठीक है। अदर ब्रांच में देखो जॉर्डन ऑफ अरबियन पेनिनसुला एंड द फॉल्ट वैली ऑफ अफ्रीका, समझ में आ गया सबको, ये कंट्रीज जिधर दिख गए वो हमारा किस में आ गया, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। नेक्स्ट वन इज अटलांटिक बेल्ट, दिस चेन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, द अजोर्स, कैप वर्डे एंड कैनरी आइलैंड। अटलांटिक बेल्ट, तो अटलांटिक बेल्ट आपको कहाँ मिलेगा, अटलांटिक ओशन वाले पार्ट में, ठीक है, बेसिकली जो अटलांटिक ओशन होगा वो का ये जो पार्ट होगा वही होगा हमारा अटलांटिक बेल्ट। अदर स्कैटर्ड वोल्केनोज कहाँ मिलेंगे, तो स्कैटर्ड वोल्केनोज आर फाउंड इन कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड मेनली आइलैंड्स, वोल्केनोज आर ऑल्सो फाउंड इन मेडागास्कर, मॉरिशियस एंड ट्री यूनियन आइलैंड। अब ये किसी बेल्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है, अदर स्कैटर्ड मतलब ये तो हमने तीन बेल्ट को देख लिया जहाँ पे अधिकतर वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, उसके अलावा भी कुछ कुछ जगह हो सकते हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इन्हीं में मिलेंगे, तो जो अदर हैं उनमें कुछ नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने, हो गया, देख सकते हो इमेज में, ये मैंने बुक से उठा लिया क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला न्यूली फोल्डेड माउंटेन के थ्रू ये फैला हुआ है, तो देख सकते हो ये मिड कॉन्टिनेंटल में आ गया, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये वाला पार्ट ये किस में आ गया, ये पैसिफिक बेल्ट में आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, तो इधर दिखाया हुआ नहीं है लेकिन आसपास में जो आपको कंट्रीज मिल जाए अटलांटिक ओशन वाले में तो वो हो गया हमारा अटलांटिक ओशन वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रिंग ऑफ फायर, ये हमारा पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। तो अगर बनाने को भी आए, अगर एग्जाम में लिखने को आए तो आप ये मैप बना करके डायरेक्टली और ऐसे बता सकते हो कि ये हो गया, फिर आप इसको दिखा सकते हो, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब है इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनोज ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, अब लास्ट में देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एक्टिविटीज़ पे, तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी है और बेनिफिशियल भी है, जैसे कि अर्थक्वेक का था, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है कि जहाँ पे भी वोल्केनो आएगा तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी, ठीक है, पॉइजनस गैसेस फैल जाएंगी हर तरफ, स्टीम, एशेज, स्मोक्स, सारी चीज़ें एकदम क्या करेंगी हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से ख़राब कर देंगी, जो एयरलाइंस है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एयरलाइन भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। फ्लड्स कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डैम्स, अब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो अर्थक्वेक भी आएगा एंड इन सब की वजह से डैम्स भी बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं, तो डैम टूटने की वजह से बाढ़ भी आ जाएगा, तो ये सारे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो गए। अब बेनिफिशियल इफेक्ट, तो बाय स्प्रेडिंग अराउंड लावा, लावा होगा यहाँ पे, फर्टाइल सॉइल ऑफ न्यू लावा इज लेट देयर, हमने पढ़ा था डेकन प्लेट्यू वाले रीजन में, मतलब जो प्लेट्यू लावा थे हमारे, या फिर प्लेट्यू लावा प्लेट्यू बोल सकते हो, लावा प्लेट्यू, तो उसमें क्या था, लावा बिछ जा रहे थे एंड पूरी ज़मीन ऐसे प्लेन हो जा रही थी, कुछ पार्ट ऐसे प्लेट्यू भी रह रहे थे, तो एक टाइम के बाद ना मतलब सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ की, फर्टाइल हो जाती हैं क्योंकि वो नीचे से निकली हुई थी ना लावा, तो वो जब मिट्टी में कन्वर्ट होंगी तो वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन माउंटेनस एरियाज अफेक्टेड बाई वोल्केनोज, वोल्केनोज की वजह से क्या होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग भी माउंटेनस एरियाज में देखने को मिलेंगे, जिनमें क्या होता है सल्फर होता है और भी अदर यूजफुल मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे डिजीज को ठीक किया जाता है, जैसे कि स्किन डिजीज हो गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, एक्सेट्रा। मेनी अदर टाइप्स ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इरप्शन, गीजर्स, फाउंटेन्स, क्रेटर्स एक्सेट्रा इन द एरियाज अफेक्टेड बाई वोल्केनिक एक्शन। वोल्केनिक एक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें थोड़ी ना मिलते हैं कि बहुत सारे गैसेज निकले
जैसे कि सल्फर हो गया, तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अलावा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स भी निकलते हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करती है अनदर वे में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड वन मार्कर क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कराती रहूँगी, और आप इसमें से जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो उठा के पूछा जाए और आप नहीं आंसर कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली इसी में से पूछे जाएंगे, और जब आपने सब कुछ पढ़े लिया है तो फिर क्वेश्चन का आंसर लिखने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, और आंसर कैसे लिखना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक।